देखिए दोस्तों, मेरा परोठा बन के रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है? दिखने में भी इसका लाइट अच्छा है और खाने का स्वाद भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, डाल दिए इसको। अब मैं इधर, मैंने पहले से लोहिया बना रखा है, इसको मैं इस हाथ से इसको दबाऊंगा। पन्नी पे देने के बाद जो ऑयल कम भी देते हैं, कभी भी ये थुका जाता है, मतलब बेला जाता है, नहीं तो वैसे ज़्यादा ऑयल देना पड़ता है। इसको हम उल्टा देंगे, हो गया। इधर इसको हम हाथ से अच्छी तरह से, कम तेल में अच्छी तरह से पराठा आप बना सकते हैं। हल्का ऑयल लगता है इसमें, हाथ अच्छा बन जाता है। अपने बच्चों को सुबह के नाश्ता में या रात में भी टिफिन में बना के उसे हमें दे सकते हैं। इससे बच्चा भी खुश हो जाता है लोग पराठा खा करके। इसे उल्टा देखिए, पक्का कि नहीं हुआ है, फिर इसी साइड से उल्टा देंगे। रात का मौसम है, लाइट भी कट चुका है, गर्मी भी ज्यादा लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं, इसको बहुत थोड़ा सा लग ले देंगे। इसके बाद इसको पक चुका है देखिए इस साइड से, और इसमें हल्का ऑयल दे देंगे। तो स्लोली स्लोली घुमाएंगे जिससे चारों साइड में ऑयल लग जाएगा। ऑयल लग गया है, दूसरे साइड भी उठा देंगे। पराठा बन के रेडी हो चुका है। दोनों साइड से बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने सभी पराठे बनाए हैं, ये देखिए।